हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 5 चल रहा था। लेसन नंबर 5 कौन सा है? द्वितीय क्रिया। और द्वितीय क्रिया में पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक चालू किया था, वो टॉपिक था विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 4 बिंदु आपको बताए थे, जिसमें पहला बिंदु आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जो कच्चे माल पर डिपेंड हो, आधारित हो। ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं? इन उद्योगों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों पे, ठीक है। 5 भागों में इसको बांटा गया, लिख देंगे अपन, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। मतलब ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की आवश्यकता होती है, अगर वो कच्चा माल मिलेगा तो उद्योग संचालित होगा। अब ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। मतलब ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से। सेकंड नंबर पे आता है खनिज आधारित उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जो खनिजों के रूप में, जो खनिज जो होते हैं वो कच्चे माल के रूप में उन उद्योगों में जाते हैं और माल उत्पादित होता है। तीसरे नंबर पे आता है रसायन आधारित उद्योग, ठीक है। चौथे नंबर पे जो उद्योग आता है वो आता है वनों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग। और पांचवे नंबर पे है पशु आधारित उद्योग। मतलब ये जहां ऐसे उद्योग जो कृषि पर डिपेंड हो, आधारित हो, ऐसे उद्योग जो खनिजों पर आधारित हो, ऐसे उद्योग जो रसायन पर आधारित हो, ऐसे उद्योग जो वनों पर आधारित हो, या फिर ऐसे उद्योग जो पशुओं पर आधारित हो। मतलब इन उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलेगा? कृषि क्षेत्रों से, खनिज क्षेत्रों से, रसायन क्षेत्रों से, वनों से, पशुओं से। मतलब यहां से जब कच्चा माल इन उद्योगों में जाएगा तब जाके ये उद्योग संचालित होंगे। तो कुल मिला के 5 बिंदु आपके सामने लिखे हुए हैं, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन, कृषि आधारित उद्योग। देखिए भाई, कृषि आधारित उद्योग, देखिए इसकी छोटी सी परिभाषा है, बिल्कुल सीधी परिभाषा है। खेतों, खेत जो होते हैं, कृषि कहां पर होती है? खेतों में। खेतों से प्राप्त कच्चा माल कहां जाएगा? उद्योग धंधों में। उद्योग धंधों में जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग माल तैयार होता है। माल तैयार होने के बाद में वो विक्रय होने के लिए, मतलब बेचने के लिए ग्रामीण और नगरीय बाजारों में जाता है, ठीक है। जैसे कि शक्कर है, आचार है, फलों का रस है, पेय पदार्थ है, मसाले हैं, तेल है, वस्त्र है, ऐसे बिंदु। मतलब ये कि कृषि आधारित उद्योग, ये सारे उद्योग है, शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, फलों का रस उद्योग, पेय पदार्थ उद्योग, मसाले के उद्योग। अब इनको कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है? कृषि वाले क्षेत्रों से, ठीक है। तो मतलब ये कृषि आधारित उद्योग हो गए। आगे बात समझ में, परिभाषा लिख दीजिए, खेतों से प्राप्त कच्चा माल उद्योगों में प्रक्रिया के बाद वस्तु उत्पादन के पश्चात विक्रय, मतलब बेचने, विक्रय हेतु नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए, खेतों से प्राप्त, मतलब कृषि क्षेत्रों से प्राप्त कच्चा माल उद्योगों में
प्रक्रिया के बाद में, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, जो भी उसको माल तैयार करने की स्थिति जो होती है, मतलब प्रक्रिया के बाद में जो भी वस्तु उत्पादित होती है, वस्तु उत्पादन के पश्चात वो बेचने के लिए कहां जाता है, नगर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में। अब ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं जहां पर ये कार्य, ये उद्योग चलते हैं, जिनको कृषि से कच्चा माल मिलता है, जैसे कि भैया शक्कर बनानी है आपको, तो भैया आपको गन्ना चाहिए, खेतों से आएगा। अगर मान लीजिए आपको अचार उद्योग है, तो अचार, कैरी, कुछ भी, नींबू कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा। फलों का रस, ये भी खेतों से आएगा, अगर आपको पैक करके बेचना है, ठीक है। पेय पदार्थ हो, कपड़ा हो, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये सारा का सारा जो सामान है, जैसे कि मसाले हैं, तेल है, ये सारे के सारे खेतों से जा रहा, तेल है, सरसों है, तो सरसों कहाँ से आएगी, खेतों से। तो मतलब ये उद्योग हो गए। अब इन उद्योगों को अगर संचालित करना है तो आपको कृषि पर आधारित रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी के अंदर एक टॉपिक जोड़ रहा हूँ मैं, भोजन, ठीक है, प्रसंस्करण। इसका मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, मतलब भोजन को लंबे समय तक एक तकनीकी के माध्यम से, एक विधि के माध्यम से उसे लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। मतलब ये कि कृषि से तैयार खाद्य पदार्थों में, जैसे कि मलाई क्रीम है, का उत्पादन किया जाता है। डिब्बे जो होते हैं, उन डिब्बों में खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, फिर बेचा जाता है। फलों से खाद तैयार करना, ठीक है, मिठाइयाँ तैयार करना, मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन विधियों का उपयोग किया जाता है इस भोजन प्रसंस्करण में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो वस्तु, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको सुखाकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। जैसे कि आपने तेल है, जैसे अचार है, अचार के अंदर आपने क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, तो अब वो अचार जो है वो साल भर तक खराब नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं भोजन प्रसंस्करण। जैसे कि आपने देखा होगा डिब्बे में सब्जियां आती है, ठीक है, वो कभी खराब नहीं होती है। विदेशों में जाओगे तो डिब्बों के अंदर खाद्य सामग्री मिलेगी आपको, कभी खराब नहीं होती। अब उसमें वो क्या डालते हैं, वो किस तरीके से उनको सुरक्षित रखते हैं, वो उनकी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं भोजन प्रसंस्करण। आगे बात समझ में, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भोजन प्रसंस्करण की, कि कृषि से तैयार खाद्य पदार्थ। अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ देख लीजिए, कृषि से तैयार खाद्य पदार्थ। अब वो पदार्थ कौन कौन से, जिनको भोजन प्रसंस्करण के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि मलाई क्रीम, ठीक है, का उत्पादन। आगे वासन में, जैसे कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, ठीक है, जैसे कि और भी है, जैसे कि मैंने बताया आपको कौन सा, फलों से खाद्य तैयार करना, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हो सकती है, मिठाइयाँ हो सकती है, मिठाइयों को भी बंद पैक करके आप लंबे समय तक रख सकते हैं। अब इनको रखने की विधियाँ भी है, सुन लीजिए, इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये सारी विधियाँ हैं भोजन प्रसंस्करण की, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, देखिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सुखाकर लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को रख सकते हो। इसके अलावा अचार में तेल व सिरका डालकर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक तकनीकी है, टेक्निक है, एक विधि है, जिसे हम बोलते हैं भोजन प्रसंस्करण। भोजन प्रसंस्करण का मतलब यही होता है कि हम लंबे समय तक भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए आपको कृषि से तैयार खाद्य पदार्थ को, जैसे कि मलाई है, क्रीम है, ठीक है, उसका उत्पादन डिब्बों में बंद करके खाद्य का उत्पादन, फलों का रस जो होता है या फलों का खाद तैयार करना, या फिर आपकी मिठाइयाँ हुई, इनको लंबे समय तक कैसे रख सकते हो, उनको सुखाकर रख सकते हो, अचार में तेल
या सिरका डालकर उसे लंबे समय तक रख सकते हो। आंवले देखे होंगे आप लोगों ने, आंवलों को लंबे समय तक रखना है, ठीक है, या आंवले का आपको बाद में भी उपयोग करना है तो आंवलों को सुखा दीजिए, ठीक है, आंवलों को तोड़कर काट के उसको सुखा दीजिए, आप बाद में भी साल भर बाद में भी उसका उपयोग कर सकते हैं आंवले का, ठीक है। ऐसी कई सामग्री होती है। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं भोजन प्रसंस्करण। आप मार्केट में जाते हो, कई बार डिब्बों में ऐसी सामग्री मिलती है, सब्जियां मिल जाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं भोजन प्रसंस्करण, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, ये हमारा कृषि आधारित उद्योग हो गए सब। ये अभी कृषि आधारित उद्योग है क्योंकि इनको जो कच्चा माल मिल रहा है कहां से मिल रहा है, कृषि क्षेत्रों से मिल रहा है। अगर कृषि कच्चा माल देना बंद कर दे तो ये उद्योग सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग, दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन, खनिज आधारित उद्योग। देखिए दूसरा पॉइंट डाल लिया मैंने, खनिज आधारित उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कहां से मिलता है, खनिजों से। इस उद्योग में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं, ठीक है, लिख देंगे, इस उद्योग में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं, मतलब कच्चा माल, ऐसे उद्योग होते हैं जिनको कच्चा माल कहां से मिलता है, खनिजों से। अगर वो उद्योगों को खनिज मिलता रहा कच्चे माल के रूप में तो संचालित रहेंगे, ये तो बंद हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण डाल देता हूं मैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे कि लोहा अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग कहां पर होता है, लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा इस्पात उद्योग के अंदर लोहा अंश वाले धात्विक खनिजों का आवश्यकता पड़ती है, जबी तो लोहा इस्पात उद्योग चलेगा, ठीक है, लिख देंगे, लोहा इस्पात उद्योगों में लोहा अंश मतलब धात्विक खनिजों का उपयोग या खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मतलब ये कि अगर लोहा इस्पात उद्योग को संचालित करके रखना है तो आपको लोहा अंश वाले धात्विक खनिजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसके लिए आपको खनिजों का खोज करना पड़ेगा, खनिजों की जरूरत पड़ेगी, खनिज पहुंचेंगे तो लोहा इस्पात उद्योग संचालित होंगे। ऐसे ही कई और भी उद्योग है, जैसे कि हम बात करें अलोह धातु की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जो अलोह धातु खनिजों पर आधारित होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम उद्योग है, लोहा नहीं होता उसमें, तांबा है, ठीक है, जवाहरात है, सीमेंट है, मिट्टी के बर्तन है, ये उद्योग क्या है, अलोह धातु खनिज पर आधारित होते हैं। इसको भी लिख देते हैं, कुछ उद्योग अलोह धातु खनिजों पर आधारित होते हैं। मतलब अगर ऐसे उद्योग जिनको अलोह धातु खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अब ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग है, ठीक है, जैसे कि आपके तांबा उद्योग है, ठीक है, जैसे कि जवाहरात है, ठीक है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, इसमें कोई लोहा जरूरत नहीं होती, मतलब अलोह जैसी वस्तु हो गई, जैसे कि आपके मिट्टी के बर्तन हो गए, इसके अलावा और भी कई, जैसे कि आपके सीमेंट उद्योग है, ठीक है। अब इन उद्योगों के अंदर अलोह धातु खनिजों की आवश्यकता होती है, कच्चा माल कहां से मिल रहा है, खनिजों के माध्यम से। क्लियर, समझ में आ गई होगी आपके पास। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है, ये कंप्लीट है खनिज आधारित उद्योग। अब हम बात कर लेते हैं रसायन आधारित उद्योग की, ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल लेंगे, रसायन आधारित उद्योग। अब ऐसे उद्योग जिनको संचालित होने के लिए रसायन की आवश्यकता पड़ेगी, अब ऐसे उद्योगों की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग करना होता है, ठीक है, जो प्रकृति देती है हमें, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल रसायन उद्योग है, जरूरत पड़ेगी आपको पेट्रोलियम खनिज तेल की, ठीक है। जब तक पेट्रोल रसायन उद्योग को पेट्रोल खनिज तेल नहीं मिलेगा, मतलब पेट्रोल नहीं मिलेगा, तब तक ये पेट्रोल रसायन उद्योग नहीं चल सकता, ठीक है। तो मतलब ये कि ऐसे उद्योग जिनको प्राकृतिक रूप से रासायनिक खनिजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, लिख देंगे, इस प्रकार के
उद्योगों को प्राकृतिक रूप से खनिज तेल कह दीजिए या फिर रसायनों की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं उदाहरण डाल रहा हूं, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग। अब पेट्रो रसायन उद्योग को किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो पेट्रो रसायन उद्योगों को पेट्रोलियम, जिसे हम कहते हैं खनिज तेल, की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया होगा आपको? मतलब ये कि ऐसे उद्योग जो कि डिपेंड किसके ऊपर? रसायन पर। अब वो संचालित ही तब होंगे जब उनको रसायन मिलेगा। मतलब इस प्रकार के उद्योगों को प्राकृतिक रूप से खनिज तेल रसायन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने पेट्रो रसायन उद्योग को पेट्रोलियम खनिज तेल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए नमक है, जैसे कि आपके गंधक है, ठीक है, नमक, गंधक, पोटास है, ठीक है, पोटास उद्योग है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं, अब ये तीन उद्योग मैंने आपको बताया ना, नमक, गंधक और पोटास, ये तीनों उद्योगों के अंदर प्राकृतिक खनिजों के उपयोग होते हैं, मतलब प्राकृतिक रसायन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे देख लीजिए, प्लास्टिक का निर्माण देख लीजिए, इन सब को रसायन की जरूरत पड़ती है। आगे बात सन में लिख देते हैं, नमक, गंधक, पोटास, ठीक है, में रसायन का उपयोग, ठीक है। कृत्रिम रेशे बना लीजिए, कृत्रिम रेशे, ठीक है, या फिर मैंने बताया आपको प्लास्टिक का निर्माण है, प्लास्टिक निर्माण उद्योग। अब इन सभी उद्योगों को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रसायन। अरे कुल मिला के बात यह हो गई कि कच्चा माल जो है वो आपको खनिज क्षेत्र से प्राप्त करना पड़ेगा, रसायन क्षेत्र से प्राप्त करना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र से प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दो पॉइंट और बताऊंगा, वनों पर आधारित उद्योग और पशु पर आधारित उद्योग। तो वनों पर आधारित उद्योग जो है वो चलेंगे ही जब वनों से कच्चा माल आएगा। पशु आधारित उद्योग जब भी चलेंगे जब पशु उनको माल देगा, मतलब पशु से कच्चा माल प्राप्त होगा तभी संचालित होगा, ठीक है। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, अपने दो पॉइंट कंप्लीट, तीन पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? वनों पर आधारित उद्योग। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए चौथा पॉइंट डालेंगे अपन, वनों पर आधारित उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जो वनों पर आधारित हो, मतलब वनों से प्राप्त मुख्य हो, चाहे वो गौण उपज हो, कच्चे माल के रूप में उद्योगों में काम लेते हैं। अब जैसे कि उद्योग के अंदर, जैसे फर्नीचर उद्योग है, इमारती लकड़ी कहाँ से आती है? वनों से। कागज उद्योग मान लीजिए, लकड़ी, बांस और घास, इनकी जरूरत पड़ती है, कहाँ से आते हैं? वनों से। लाख उद्योग मान लीजिए, लाख मतलब चूड़ा उद्योग जो है, ठीक है, लाख उद्योग, उसमें लाख कहाँ से मिलती है? वनों से। मतलब वनों से प्राप्त जो मुख्य और गौण उपज होती है उन्हें कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में काम लेते हैं। लिख देंगे इसे अभी, वनों से प्राप्त गौण व मुख्य उपज को कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में उपयोग में लेते हैं। मतलब ये कि वनों से जो भी गौण और मुख्य उपज होती है उस उपजों को कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में उपयोग में लेते हैं। अब वो उद्योग कौन से? जैसे कि फर्नीचर उद्योग। अब फर्नीचर उद्योग में लकड़ी की आवश्यकता, ठीक है, कहां से मिलेगी लकड़ी? वनों से, ठीक है। जैसे कि कागज उद्योग, अब कागज उद्योग में बांस की जरूरत पड़ती है, घास की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बांस की जरूरत पड़ती है, घास की जरूरत पड़ती है और लकड़ी की जरूरत पड़ती है, कहां से मिलेगी? वनों से, ठीक है। लाख उद्योग है, लाख उद्योग में लाख वनों से प्राप्त होता है। अगले समय, तो मतलब फर्नीचर उद्योग हो चाहे वो कागज उद्योग हो,
वो चाहे लाख उद्योग हो, इनको कच्चा माल कहां से मिल रहा है? वनों से। ठीक है, कंप्लीट। पांचवा पॉइंट डाल लीजिए, पशु आधारित उद्योग। अब ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कहां से मिल रहा है? पशुओं से मिल रहा है, मतलब जैसे कि चमड़ा है या ऊन है, कहां से प्राप्त होती है? पशुओं से प्राप्त होती है, मतलब चमड़ा व ऊन पशुओं से प्राप्त कच्चा माल हो गया। ठीक है, लिख देंगे चमड़ा व ऊन पशुओं से प्राप्त कच्चा माल है। ठीक है, अब कौन कौन से उद्योग? जैसे कि सबसे पहला, जैसे कि डाल देंगे जैसे उदाहरण चमड़ा उद्योग। ठीक है, अब चमड़े उद्योग को संचालित करने के लिए आपको चमड़ा जो है वो कहां से प्राप्त करना पड़ेगा? कहां से प्राप्त करने पड़ेगा? पशुओं से। ठीक है, चमड़ा उद्योग को पशुओं से प्राप्त चमड़ा उपयोग लेना होता है। ठीक है, मतलब कच्चा माल जो है चमड़ा ये पशुओं से प्राप्त होगा। इसके अलावा दूसरा था मैंने बताया आपको ऊन उद्योग है, ऊन उद्योग को ऊन किससे प्राप्त होती है? पशुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताऊं आपको एक उदाहरण और देता हूं, हाथी के दांत है, हाथी के दांतों से आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि हाथी दांत उद्योग हो गया, ऐसे बोलते हैं हाथी दांत, ये तो ऊन उद्योग हो गया, ये हो गया हाथी दांत उद्योग। अब ये हाथी दांत उद्योग को संचालित करना है तो आपको हाथी के दांतों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हाथी का पशु, ठीक है, हाथी क्या है यहां पर? पशु। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे वो आपका ऊन उद्योग हो, ऊनी वस्त्र उद्योग जिसे हम कहते हैं, ये बोलेगा ऊन उद्योग नहीं बोलेंगे इसको, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। अब जैसे कि चमड़ा उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, हाथी दांत उद्योग हो गया, तो इनको चलाने के लिए आपको चमड़ा उद्योग के लिए पशुओं की चमड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए पशुओं की ऊन की जरूरत पड़ेगी, बाल, और हाथी दांत उद्योग को संचालित करने के लिए आपको हाथी के दांतों की जरूरत पड़ेगी। जिससे हम आभूषण बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती है वो कंगन पहनती है, हाथी के दांतों से पहनती है। ठीक है, इस तरीके से ये उद्योग जो है चलाने के लिए आपको कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो गए, मतलब कच्चे माल प्राप्त करने के लिए इन इन क्षेत्रों से आपको कच्चा माल प्राप्त करना होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।